नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा गरम। मुद्दा गरम बात करेंगे हम बयानबाजी बना मुद्दे। कांग्रेस पार्टी के कई नेता चुनाव से पूर्व इस तरह के बयान देते हैं कि उसमें चुनावी मुद्दे गौण हो जाते हैं और बयानबाजी हावी हो जाती है। इस बार भी सीएम पित्रोदा का बयान एयर स्ट्राइक पर आया है और इसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको आड़े हाथों लिया है और लगातार इस बयान की निंदा हो रही है कि आखिरकार सीएम पित्रोदा ने ये सवाल क्यों खड़ा किया। बात सीएम पित्रोदा की नहीं है, इससे पहले मणिशंकर अय्यर का विवादास्पद बयान रहा है, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह जैसे तमाम नेता, कपिल सिब्बल जैसे तमाम नेता हैं जो समय समय पर इस तरह के कुछ न कुछ विवादास्पद बयान देते हैं और उन बयानों के नीचे जो चुनावी मुद्दे होते हैं वो लोग भूल जाते हैं और उन बयानबाजी में चाहे राजनीतिक पार्टियां हों चाहे जनता हो उलझ कर रह जाती है। इन्हीं सब तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है सुमेर सिंह चारण जी, कांग्रेस नेता। सुमेर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर निमिषा गोड जी हैं, बीजेपी नेता। निमिषा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निमिषा जी, किस तरह से देखती है जिस तरह से सीएम पित्रोदा का बयान आया है, एक बार फिर उन्होंने सेना की कार्यवाही पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है, एयर स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़ा किया है, आप किस तरह से देखती हैं, पार्टी किस तरह से देखती है निमिषा जी? नीरज जी, देखिए आज लोकतांत्रिक शुचिता के अंदर जब इस तरह के परिदृश्य में चुनावी समय के अंदर आप बयानबाजी करके आकर्षण पैदा करना चाहते हैं और जनता को गुमराह करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी विपक्ष की जो आहत और बिल्कुल दयनीय स्थिति पर जाता है विपक्ष, क्योंकि जब कोई मुद्दे नहीं होते तो ऐसे बयानबाजी करके उन सैनिकों की शहादत को पीड़ा देना इनका एक मंशा जाहिर होती है जिसको जनता स्पष्ट समझ चुकी है। आज एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दे पर कभी प्रश्न चिन्ह लगाना, कभी पुलवामा हमले का जिम्मेदार राजनीतिक दौर पे बताना, फिर एयर स्ट्राइक सेना के द्वारा किया जाना, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आज कांग्रेस की जो हालत है दिन ब दिन ऐसी होती जा रही है कि मात्र बयानबाजियों पर सिमटना और ऐसी कटाक्ष बयानबाजी करना जिससे जनता डाइवर्ट हो जाए। आपने विधानसभा के चुनाव में ही देखा होगा, राजस्थान की बात लें तो सीपी जोशी का बयान आता है, फिर इनके अध्यक्ष माफी मांगते हैं, तो बयान माफीनामा या फिर व्यक्तिगत बयान का नाम देकर के आप इतिश्री कर लेना, ऐसी इनकी हालत जो है कांग्रेस की वो इनके इसको संगठनात्मक दयनीयता को दर्शाती है और गठबंधन को महागठबंधन का सपना देखती और आज गठबंधन को तरसती कांग्रेस, अगले बगले झांकते हुए इनके नेता ऐसी बयानबाजी कर करके इतिश्री करना चाहते हैं, चुनावी माहौल में सरगर्मियां पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहूंगी कि देश बदल चुका है, आगे बढ़ चुका है, आज लोकतांत्रिक प्रदेश में लोक बेहद मजबूत हो चुका है इन बहकी बातों में और इन ऐसी निम्न स्तरीय वर्ड जो है इनके लिए काफी होगा बयानबाजियों से मेरे सैनिकों को आहत करना बंद करें। जिस तरह निमिषा जी कह रही है कि इस तरह की बयानबाजी देकर विपक्ष के नेता चर्चाओं में आना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह की बयानबाजी से जो जनता के मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं। जो सरकार से सवाल पूछने की बात थी वो कहीं कहीं दब सी जाती है, सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाने की बात थी वो दब जाती है और ऐसे बयान हावी हो जाते हैं जिनसे जनता का कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं भावनाएं जरूर हाथ होती है। सीएम पित्रोदा का बयान भी ऐसे समय पर आया है जब जन भावनाएं उस मुद्दे के साथ है, देशहित के साथ है, राष्ट्रहित के साथ है, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि अब जो बाकी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण होते नजर आ रहे हैं और अब ये बयान ज्यादा हावी हो रहा है जनता में, ये सिर चढ़ कर बोलेगा जो जनता की मूल बातें थी, मूल समस्याएं थी, वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाएगी इसके। देखिए, बात आती है कि बयानबाजी, कांग्रेस पार्टी अगर कोई गलती से कोई नेता कांग्रेस पार्टी का गलत बयानबाजी कर भी देता है, दे भी देता है बयान, तो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे शीर्ष नेतृत्व कहीं का भी हो, वो माफी मांगता है, उस नेता को समझाइश करता है कि भैया इस वर्ड में तुमने गलती की है, इस जगह गलती की है, उस जगह जाके इस वर्ड के लिए माफी मांगो। और भारतीय जनता पार्टी की ये भावनाएं नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल से राजनीति का बिल्कुल एक ध्रुवीकरण कर दिया है। जो मुद्दे का विषय जो आप बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता वर्तमान समय में कोई भारत के अंदर मुद्दा है। कौन सा मुद्दा? आप विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आप कौन सी आरटीआई के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आरटीआई के नाम पे वोट मांगने, कितने सारे घपले कर लिए इन लोगों ने, किस मुद्दे पे ये आज 15 लाख का जो मुद्दा है वो गौण हो गया। आप अगर क्लिपिंग, मैं खुद कहता हूं कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति, आप मेरी बात सुनिएगा, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति अगर अनर्गल बयानबाजी कर देता है तो श्रीमान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व उस पे माफी मांगता है और वो व्यक्ति भी मांगता है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे एक भी चीज बता दीजिए, सोनिया गांधी जी को इन लोगों ने विधवा कहा भरी सभा के अंदर, क्या ये बयानबाजी घटिया नहीं है?
ये ऊंची हरकतें नहीं है, ये इनकी मानसिकता को नहीं दर्शाती, ये इनकी मानसिकता को दर्शाती है। पर वर्तमान समय में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ध्रुवीकरण करके बांटने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के नाम पे ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बात सही है, क्योंकि न तो हम कांग्रेस की बयानों की तारीफ कर रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उठाए गए बार बार सवाल और बयानों की तारीफ कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे इस तरह के बयानों में कहीं कहीं दब जाते हैं, जनता की आवाज दब जाती है। और यदि सरकार ने कोई घोटाला किया है, मुझे तो ये बताइए, आज जरूरत जीएसटी में संशोधन की है, क्या वो मुद्दा है वर्तमान समय में? समीर जी, क्यों विकास का क्या मुद्दा है, क्या विकास का? और कांग्रेस ने समय समय पर इन विषयों को क्यों नहीं उठाया? क्या हर समय कांग्रेस विषय को उठा की बात करते हैं और अपने ही मैनिफेस्टो में अपने जो 6 नंबर पेज पर 3rd नंबर लाइन में लिख के देते हैं कि जीएसटी की जितने भी विवाद है या जितने भी जहां पर होती है हम उसको जीएसटी परिषद में खुद कमरे के अंदर कागजों के अंदर लिख करके देते हैं कि जीएसटी देश के अनिवार्य रहता है और मंचों पर जाकर के जीएसटी का विरोध करते हैं। दोहरा मापदंड जो है, दोहरी प्रतिक्रिया जो है, दोहरी शब्दावली मेरी जनता के लिए, आप सत्ता में आने से पूर्व अगर हम आपकी स्पीच सुना दें, आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगर स्पीच सुना देना तो हमारे को सभाएं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुद्दा भी नहीं चुकी कांग्रेस के पास, कोई मुद्दे बचे नहीं है। नीरज जी, घर में 900 चूहे खाके हज करने आई बिल्ली, आप देखिए कौन सा माहौल कर दिया आप लोगों ने, कौन सा माहौल कर दिया आपने देश में। आपको शर्म आनी चाहिए देश में सांप्रदायिकता की भावना के लिए। निमिषा जी, बात ये चल रही है, अभी आज हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम एफडीआई की बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं स्वयं पित्रोदा के बयान को लेकर। आपको लगता है कि उनके बयान से अभी बयान कहीं है पित्रोदा जी का, उसके बाद तुरंत राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के बैठते हैं, ये इनका निजी बयान है, मणिशंकर अय्यर का निजी बयान है, ये निजी बयानों की फेहरस्ती आपकी चुनाव के टाइम आती है। जैसे चुनाव आपके समाप्त होते हैं आपको चूंकि पॉपुलरिटी मिलती है, क्या आप यूज और मिस यूज करते हैं और उसके बाद आप तुरंत उसके लिए उसको वापस अपने पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा है इस तरह के नेताओं के बयानों से? मर्यादा रहती है, एक रेखा रहती है, उसको अगर हम क्रॉस करेंगे, उस रेखा को हम लांघने की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक बात है दोषी है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर अगर कोई बयान देते हैं आप, अगर पाकिस्तान आप तो पाकिस्तान बिरयानी खा के आए थे, तब कहाँ गए थे? कूटनीतिक कार्य करना, अच्छा ये कूटनीतिक कार्य थी, अच्छा ये छुप छुप के यहाँ तो डोकलाम विवाद चल रहा है, आप कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सी कूटनीति की बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए, आप लोगों ने चूरू में सभा की, शहीदों की फोटो में आपके प्रधानमंत्री जी ने, सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने शहीदों की फोटो में बैकग्राउंड में रखी, कौन सी बयान की बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, इन्होंने डोकलाम को लेकर कहा कि हमें नाज, एक तरफ डोकलाम में शहादत पर नाज, सैनिकों के द्वारा जो कार्रवाई लग रहा है हमारे कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ा था, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था, पर हमने कहीं शहीदों की फोटो नहीं किया, हमने नहीं, जो वीर है उनका लगता नहीं है आपको पार्टी को नुकसान होगा चुनाव में पाकिस्तान के चैनल के गुणगान। निमिषा जी हालत इनकी तो सुमेर जी लगता नहीं, इस जो बयान आया सिंपत्रोदा का उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि गुजरात में जब इलेक्शन थे उस दौरान जो मणिशंकर अय्यर का बयान आया था उसको लेकर कहीं न कहीं जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई और उसको लेकर उनको खूब फायदा मिला और हर चुनाव की रैली में पीएम मोदी ने उस विषय को उठाया और जनता की भावनाएं उनके साथ जुड़ती गई जी। अब फिर ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले से पित्रोदा का एक बयान आता है, आपको लगता नहीं है, आप भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, पार्टी को सीधा सीधा कहीं का डैमेज होना पड़ रहा है, क्योंकि जो ये नेता है ये जन नेता नहीं है, ये सिर्फ राज्यसभा से पहुंचने वाले नेता है, कभी धरातल पर रहकर इन्होंने राजनीति नहीं की, जमीन पर रहकर कार्यकर्ताओं के साथ कभी काम नहीं किया, तो ऐसे में इनके जो बयान आते हैं वो इसी तरह के बयान आते हैं कि कहीं कहीं विवाद खड़ा हो और पार्टी को भी कहीं कहीं उनको पता भी नहीं है कि इससे पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा। देखिए नुकसान और फायदे की तो बात मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा, गुजरात के अंदर कांग्रेस का जो पिछले अगर प्रदर्शन हम देखे जाएं तो उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन रहे और मात्र बहुत कम मार्जिन से हम चुनाव हारे हैं गुजरात के अंदर। और रही बात आने वाले ठीक बयान है इनका, मतलब आपको लगता है ठीक बयान? देखिए 3 स्टेटों में चुनाव हम लोगों ने किए, उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे को जो चुनौती मिली वो 3 राज्य के अंदर चुनाव की थी और 3 राज्य में कहीं ना कहीं केंद्र का यहां तो वर्तमान समय में यहां तो वसुंधरा जी का विरोध था ही, यह स्वाभाविक बात है, पर कहीं ना कहीं केंद्र की भी योजनाओं का आज मध्य प्रदेश में देखिए, आज छत्तीसगढ़ में देखिए जो माहौल बना है, 1-3 राज्यों में जीत का जो कांग्रेस ने परचम लहराया है, कोई परचम वो, नहीं है, वो जो है वो इनके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है और ये छोटे मोटे बयानबाजी को बढ़ा चढ़ा के करोड़ करोड़ मतलब कहीं कहीं लगता है सुमेर जी इतनी बड़ी बात को
कांग्रेस के प्रवक्ता माफी मांग रहे हैं और यहाँ पर मेरे पास कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठ करके बोले छोटे मोटे बयान, ये है कोई सा भी छोटा मोटा बयान हो जिसको तोड़ मरोड़ करके पेश करने की, ये तो सुमेर जी को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया। आप यहाँ पर सुमेर जी, ये आज का जो बयान आया है उसे तो किसी ने तोड़ा मरोड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं मिसाल और यहाँ पर छोटा मोटा बिल्कुल नहीं। बात आपने कहा और हम लोगों ने कहा अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व उस चीज के लिए तुरंत एक्शन लेता है, मुझे एक चीज उठा के दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कब कौन से शीर्ष जी क्या जो गलतियां भारतीय जनता पार्टी ने की है वैसी ही गलतियां कांग्रेस पार्टी भी करती रहेगी। यहाँ वसुंधरा जी के और नरेंद्र मोदी जी के बननी थी, यहाँ राजस्थान का झंडा फहराया गया है वैसी गलतियां पार्टी भी करती रहेगी। केवल खुद के स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देश को खोखला कर दिया। जो गलतियां भारतीय जनता पार्टी ने की है वही गलतियां आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के नेता भी करते रहेंगे। चुनाव आपने सरकार के नाम पे वोट मांग रहे हैं आप लोग, धर्म के नाम पे वोट मांगने चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सुमेर जी लेकिन कहेंगे इस तरह के बयान पार्टी को कमजोर तो करते हैं, झूठ का प्रशिक्षण तो देखिए आप इनका, यहाँ बैठ के मना कर रहे हैं, छोटा कमजोर करने वाले बयान। अगर किसी नेता ने आज हम हिंदुस्तान में रहते की हैं और हिंदुस्तान धारा प्रवाह झूठ बोल रहे हैं बैठ करके, आप ये बताइए ना मुझे, आपने जो बोला अभी आपने कहा आप सीधी मैं ये कह रहा हूँ कभी भी किसी भी नेता ने कभी भी बयान दिया है तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की बात आपने, आप हमारा आज के बयान को किसी ने कहा है दोषी भी है। सुमेर जी निमिषा जी एक बार, निमिषा जी एक बार सुनिएगा, निमिषा जी सुनिएगा एक बार, सुमेर जी जो बयान उन्होंने सैम पित्रोदा ने दिया है न तो किसी ने तोड़ा न किसी ने मरोड़ा, और सैम पित्रोदा ने साफ ये भी कहा है ये मेरा निजी बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है, अलग ये कहना है उनका। और आप उसको कह रहे हैं छोटा मोटा बयान है, तो कहीं ना कहीं यह तो लगता है आपने पार्टी के नेतृत्व के बारे में पूछा नहीं कि हमें क्या बयान जारी करना है। आप अपनी रिकॉर्डिंग वापस सुन लीजिएगा, मैंने कहा किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने कभी भी अगर छोटा मोटा बयान दे दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने उसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया। मेरा सेंटेंस ये था और अभी दोबारा भी यही सेंटेंस है, और भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेंटर ये काम करता है, ये बरगलाने का जो कार्य आपको लगता है सुमेर जी आज का जो बयान था उसको भी भाजपा की आईटी सेल ने तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश किया है। मैं ये नहीं कह रहा उनका व्यक्तिगत, जब हमारे प्रवक्ता जी ने, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने आके अगर उस मामले में कर लिया वो सर्वोपरि नेता है। आपको लगता है जो बताने की जरूरत नहीं का बयान आया है अपनी पार्टी को सीधा सीधा कहीं गई फायदा निमिषा जी, चुनाव में कहीं गई फायदा मिलेगा इस बात का, क्योंकि जन भावनाएं उससे हाथ होंगे। हमारा निवेदन चूंकि राष्ट्रहित और सर्वोपरि लोक कल्याण सर्वोपरि आप लोगों ने पहले मंदिर के नाम पे वोट मांग के आप लोग आए और उससे मुंह मोड़ के आप लोग जा रहे हैं। ये जो कांग्रेस का दोहरा चेहरा है, किसका दोहरा चेहरा है? आप लोगों का दोहरा चेहरा है। आप लोगों का अगर वीडियो हम उठा के देखें, 15 लाख की घोषणा आप लोगों ने की थी, 15 लाख की घोषणा आप लोगों ने की थी, आज मैं आप बताइए 15 लाख की घोषणा की थी, वो एक भी 15 लाख रुपए कहाँ है? आपने आपने इस देश को घुबरा किया, आपको ये देश माफ नहीं करेगा। आपने कहा स्विस बैंक का पैसा आएगा, एक रुपया भी, एक रुपया जी मुद्दा कर में चर्चा जारी रहेगी जिस तरह का मामला है, क्योंकि जो बयान आया है सैम पित्रोदा का वाकई में हैरान करने वाला है। पार्टी नेतृत्व ने भी उससे पल्ला झाड़ लिया है, खुद सैम पित्रोदा भी कह रहे हैं कि जो बयान आया है मेरा निजी है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है, क्योंकि मैं इसे वैज्ञानिक आधार पर बोल रहा हूं और जानकारी लेना मेरा अधिकार है। हालांकि इस बयान के बाद देशभर में बवाल मचा है, लोग आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है और कांग्रेस पार्टी को कहीं कहीं जो है इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। चुनावी मुद्दे बयानों के बीच, चुनावी जो वादे हैं वो दब जाते हैं, चुनावी मुद्दे हैं वो दब जाते हैं, जनता की आवाज़ कहीं दब जाती है, लेकिन ऐसे विवादास्पद बयान बिल्कुल जो है पूरी राजनीति में कहीं कहीं छा जाते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ नए मेहमान जुड़ गए हैं, ललिता मेहरवाल जी। ललिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ललिता जी जिस तरह का बयान सैम पित्रोदा ने दिया है कि आतंकी 300 मरने वालों का क्या आधार है, मुंबई हमले में 8 लोग आते हैं हमला करते हैं, पूरे पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इस तरह के जब बयान आते हैं तो कहीं कहीं और खास तौर पर चुनाव के समय जब बयान आते हैं तो लगता नहीं पार्टी को कहीं कहीं नुकसान उठाना पड़ता है, पार्टी पूरी तरह से कहीं बचाव की मुद्रा में फिर उसी के सवालों के जवाब देने में जुट जाती है, बाकी मुद्दों से ध्यान हट जाता है।
नीरज जी देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस तरीके का 5 साल का बीजेपी का शासन रहा है, ये जुमलों और झूठ पर आधारित रहा है। क्योंकि हर चीज के ऊपर, हर चीज पर आज जो सवाल उठते हैं, हर बात पर सवाल उठते हैं, तो इसका क्या कारण है? मुझे एक बात समझाइए कि जिस तरीके से ये कह के आए थे सत्ता में 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख, वो सारी बात सही है। देखिए मैं एक बताऊँ, जब से ये स्ट्राइक हुआ, जब पुलवामा का हमला हुआ, हमारे 44 शहीद हुए जवान, उसके बाद के अंदर जो 12 दिन बाद में ये स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक के बाद में जो तुरंत जो उनका बयान आता है अमित शाह जी का कि 250 जो है आतंकवादी मारे गए, फिर दूसरा बयान इनके मंत्री का आता है 300 मारे गए, फिर थोड़े दिन बाद में बयान आता है सीतारमैया जी का कि वहाँ फिर जिन्होंने एयर स्ट्राइक की तो उनका बयान आता है कि हमने गिने नहीं, हम गिनते नहीं है। फिर सीतारमैया जी का बयान आता है कि जो उन्होंने कहा वही ठीक है, हम किसी की पुष्टि नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो डाउट और जो जो पूरे देश को एक बरगलाने वाली स्थिति उनके स्वयं के नेताओं ने की है, आज पूरी क्लियर स्थिति नहीं है। कहीं ना कहीं झूठ जो बोला जा रहा है इसके जो एयर स्ट्राइक के बारे में, पुलवामा के हमला, नहीं देखिए मैं एक बात बताऊं, समर्थन और नहीं, क्योंकि इनके नेताओं के अगर आप पिछले बयान देखें ना, तो आपको खुद को समझ, 125 करोड़ जो भारतीय वो इस चीज का जवाब मांग रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते? मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप पहले झूठ बोलते हो फिर सफाइयां देते हो, इनके स्वयं के रक्षा मंत्री के द्वारा, देखिए मैं समर्थन और ना किसी का विरोध कर रही हूँ, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए, बीजेपी सरकार क्लियर करे कि वास्तव में हुआ क्या है, वास्तव में मरे कि नहीं मरे, उसके बाद में जवाब देना तो बनता है। एक मिनट नीरज जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई, प्लीज एक मिनट। फिर उसके बाद में जब एयर स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक के बाद के अंदर जवाब तो बनता है, मैं यही पूछ रहा हूं। अभी अभिनंदन को छोड़ा गया, हमारे जो पकड़ा गया था उनको छोड़ा गया, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 300 अगर आदमी मारे जाते तो उनको अभिनंदन छोड़ा नहीं जाता इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये शक मैं यही आपके माध्यम से यही पूछना चाह रहा हूँ, वो इनके स्वयं के नेताओं द्वारा पूछा जाना चाहिए। ललिता जी, मैं आपके माध्यम से निमिषा यही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि सवाल जवाब तो बनता है, जनता जानना चाहती है आखिरकार सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है। तो आपको लगता है जवाब आना चाहिए था, या इस मामले में जो चल रहा है वही चलेगा कि जो मीडिया ने छाप दिया दिखा दिया वही सत्य है, बाकी कुछ नहीं है? नीरज जी देखिए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले आते हैं, राष्ट्रीयता के मामले आते हैं, तो आज सुख सुविधाओं और विलासिताओं की आदि कांग्रेस पार्टी ने जब देखा कि 130 करोड़ लोगों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा सड़क बिजली पानी तक की सुविधाएं घर घर तक पहुंची, उससे त्रस्त होकर के कर लिया। एयर स्ट्राइक की हकीकत तो दुनिया के सामने लाइए ना, आपको आज आभार व्यक्त करती है, शहीदों की बीवियां मांग रही है सबूत, आप उनको सबूत दीजिए, आप बोल रहे हैं तो आप सबूत क्यों नहीं देते? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या चीज छुपाना चाह रहे हो, क्यों छुपाना चाह रहे हो, ये बताइए हिंदुस्तान को, क्या दिक्कत है इसके अंदर, आप बताइए ना क्या सच्चाई है। दूसरे मुद्दे आज हम जब पूछते हैं आपसे सबूत, तो आप बोलते हैं देशद्रोह कर रहे हैं। ललिता जी, आप एक बार धैर्य पूर्वक सुनिए, आपका आभार व्यक्त करती हूँ मैं। आज हमारे सामने मुद्दा ये है कि ऐसे बयानबाजी करके जो सैनिक, जो चौकीदार दिन रात जग करके अपनी चौकीदारी करके उस कस्बे का, उस शहर का, उस मोहल्ले का, उस स्कूल का, उस विश्वविद्यालय का, उस राष्ट्र की सीमा पर प्रहरी है, उस चौकीदार नाम पर आप चोर का टैग लगा करके मेरे देश की जनता को कितना आहत किया आपने, इसका अंदाजा भी नहीं होगा आपको। मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगी, आज जो बयान दिया, फिर आप राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते इनका निजी बयान है, ये निजी और स्पष्ट क्यों नहीं कर देते, ये बयानबाजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप स्पष्ट कीजिए ना, देश आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अरे जो शहीद हुए उनकी बीवियां आपसे सवाल पूछ रही है, सबूत मांग रही है, आप दीजिए ना सबूत, कहां दिक्कत आ रही है, आप घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, आपके नेता द्वारा जो बयानबाजी की गई है वो खुद भी डाउटफुल है। राष्ट्रीय सुरक्षा दूसरी मुद्दे हमें चार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं 300 350। निमिषा जी, लगता नहीं आप लोगों को मुद्दा कांग्रेस नेता दे देते हैं, आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी को बड़े बड़े मुद्दे देते हैं, मुद्दे मुद्दे इनके पास। मुझे कहो विकास की बात करो तो विकास की बात इनके पास नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है विकास के नाम पे कहने के लिए। अभी तो जब उनसे 15 लाख की बात करते हैं तो ये बोलते हैं तो जुमला था, 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी की बात ललिता करते हैं, यही जानना चाह रहा हूँ निमिषा जी, ललिता जी आपने किया क्या, मुझे समझ नहीं आता जी। निमिषा जी, ललिता जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो जनता के मुद्दे थे वो इस तरह के बयानों में कहीं दब जाते हैं,
ये इस तरह के जो बयान आते हैं विवादास्पद उनमें कहीं ना कहीं मुद्दा दब जाता है। नीरज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नीरज जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आज जब से पुलवामा का हमला हुआ है, तब से ये एक रहस्य क्यों बना हुआ है? जब हमारे 44 सैनिकों की शहादत पूरे विश्व में देखी गई है, उनकी जो अर्थियां उठी थी वो पूरा देश रोया है, ये इस पूरे देश ने देखा है, तो आज जो उनकी जो शहीदों की जो वीरांगनाएं हैं, उनकी मां है, उनका परिवार बोलता है कि हमें आज बताइए आपने कितने मारे हैं, तो उसमें वो देशद्रोही हो गए। जवाब तो बनता है क्योंकि ये देशद्रोही हो गए, क्योंकि आप ये बोलते हैं कि 300 मार दिए, 250 मार दिए, फिर एएसआई किसने की, वो बोलते हम गिनते नहीं है, और सुरक्षा इनके मंत्री इनका जवाब दे दीजिए, जो बोल रहे हैं वो ठीक है, हमें जवाब नहीं मारे कहीं ना कहीं। निमिषा जी, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है, तो आखिरकार या तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इसमें पूरा क्या रहा मामला, लेकिन सरकार ने चुप्पी साधी है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर। पाकिस्तानी मीडिया में भी ये बात नहीं आई कि यदि किसी देश के 300 लोग मर जाते हैं तो क्या वो देश इस बात को नीरज जी, मैं अपनी बात आपका प्रश्न, 300 लोग मरने के बाद आप हमारे सैनिकों को छोड़ रहे हैं दूसरे तीसरे दिन, कितनी बड़ी बात है, ये सवाल ही नहीं उठता। आप स्पष्ट कीजिए ना उस बात को, कहां दिक्कत आ रही है? दुखद पीड़ा आपको हुई है क्योंकि आपके समय में तो गर्दने हमारे सैनिकों की आर पार, आप लाने वाले थे, एक के बदले 10 सर लाने वाले थे, क्या हुआ? लाने थे आपने, बड़ी बड़ी बातें की थी, 300 तरफ हटाने वाले थे, क्या हुआ? परिदृश्य है आतंकवाद को लेकर के, पूरा विश्व एक तरफ और एक पार्टी विशेष एक तरफ और एक देश विशेष एक तरफ, ऐसी स्थितियां पनपाने वाली कांग्रेस, पूरा तो देश मांग रहा है सवाल आपसे, पूरा देश कर रहा है निमिषा जी, पूरा देश कर रहा है निमिषा जी, क्योंकि समय बहुत कम है। आप किस तरह देखते हैं इस बयान को निमिषा जी, इस बयान को किस तरह देखती है, क्योंकि समय बहुत कम है, एक मिनट का समय आपके पास है। कांग्रेस संगठन को मजबूती से राष्ट्र की सुरक्षा के साथ बिना कोई समझौता किए हुए एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि 44 तक सिमटी कांग्रेस 2014 में कहीं चार पर ना सिमट के आ जाए, इसकी चिंता करें, क्योंकि आज जो हालत कांग्रेस की हो गई, गठबंधन को तरसती हुई कांग्रेस आज अकेले जो इधर उधर अगले बगले झगड़ रहे हैं, एक महापाप गठबंधन तो आपने 44 पार्टियों का बना रखा है, हमने तो 19-20 का बना रखा है, तो पहले अपने गिरिबान में झांकिए। ललिता जी, ललिता जी, आप किस तरह से देखते हैं, निमिषा जी प्लीज, ललिता जी आप किस तरह से देखते हैं बयान को, क्योंकि मुझे लगता है कहीं इस तरह के बयान जो है पार्टी को कमजोर करने वाले हैं, पार्टी के लोगों को भी इस समय बचाव में खड़े होना पड़ता है। निमिषा जी प्लीज, निमिषा जी, ललिता जी का समय बचा है, बहुत कम समय, बिल्कुल ललिता जी आपको लगता है पार्टी पर विपरीत फर्क, ये उनका व्यक्तिगत बयान था, और लेकिन आज वास्तविकता ये है कि पूरे 125 करोड़ भारतीयों का ये बयान, ये एक वो कहते हैं ना कि एक वो मांग है, एक ये भाई हमें बताइए कि वास्तव में हुआ क्या, एयर स्ट्राइक में वास्तव में हुआ क्या, आप क्यों उसको रहस्य बना के रखा हुआ है? इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बयान से अगर उन्होंने बयान दिया है तो मैं बोलती हूँ कि 125 करोड़ की जनता का, उन शहीदों की जो जिन्होंने शहादत दी है, उनके परिवार का परिवार की मांग है कि वास्तविकता रखें कि क्या 300 आतंकी मरे हैं तो वो मरे कहाँ, उनका सबूत मांग रहे हैं, उनको दीजिए, आप क्यों नहीं देते? चौकीदार है आप, चौकीदार है, इसलिए हम मांग रहे हैं आपसे कि आपने कितनी चौकीदारी की है, आप सीमा पे जब से 2014 से लेकर आज 1500 शहीद हुए हैं हमारे जवान, आपने किया क्या है? आप इसी चौकीदार से मांगने की एक सर के बदले 10 सर का वादा किया था, क्या हुआ? 370 हटाने का आपने वादा किया था, क्या हुआ देश के साथ? आप झूठ बोलकर आप आए थे, सड़क तो बहुत पहले आगे छोड़े आप, इन सब चीजों कहीं कह के आप आए थे, क्या कि आपने पूरे देश के सामने झूठ बोला है, झूठ बोल के सत्ता में आए, और चौकीदार की बात करें, चौकीदार होते रहे हैं, और जनता समय समय पर चौकीदार से सवाल भी पूछती रहेगी, क्योंकि जनता इस लोकतंत्र की माए बाप होती है, और जनता जनार्दन ही सरकारें बनाती है, वो चाहे चौकीदार कहलाए, चाहे प्रधानमंत्री कहलाए, चाहे कुछ भी कहलाए, वो अलग विषय है, लेकिन कहीं न कहीं ललिता जी, निमिषा जी, जो बयान आया है, ललिता जी का ये कहना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इस तरह का बयान जो वहाँ पर पुलवामा में शहीद हुए हैं उनकी वीरांगनाओं की, देश की जनता की भावना है कि आखिरकार उन्हें पता तो लगना चाहिए कि वाकई में इस एयर स्ट्राइक में हुआ क्या है। वहीं निमिषा जी का कहना है कि इस तरह के सवाल उठाना राष्ट्रीय अस्मिता पर सवाल उठाना है, राष्ट्र की जो है जो उसकी सुरक्षा पर सवाल उठाना है, इस तरह के सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, लेकिन हकीकत में यह है कि जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो जनता के मुद्दे गौण होते हैं, जनता की समस्याएं गौण होती है, और सिर्फ इस तरह के विवादास्पद विवादों पर ही, बयानों पर ही जो पार्टियां हैं अपने अपने बचाव
में खड़ी हो जाती है, कुछ समर्थन में खड़े होते हैं, कुछ विरोध में खड़े होते हैं, और जनता के मुद्दों पर कहीं ना कहीं पर्दा जरूर डल जाता है। मुद्दा ग्रह में आप दोनों पधारी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।